और आज हम क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से पढ़ो ध्यान से पढ़ो, क्या है? ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो कभी भी अगर ये पोल है राइट और ये ग्राउंड है तो क्या होगा? अगर सपोज यहां पे एक सन होगा तो इसका रेज के लिए इसका शेडो गिरेगा इधर, ये इसका शेडो गिरेगा, ये वाला, ये पोल का शेडो इधर इसके अपोजिट साइड में जहां से लाइट आती है उसके अपोजिट साइड में गिरता है राइट। तो ये उसका शेडो गिर रहा है। अब देखो लेंथ ए वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर लेंथ, ये 6 मीटर का लेंथ है एंड शेडो इज 4 मीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। तो सोचो कि कोई बड़ा सा टावर होगा, ये बड़ा सा टावर होगा और उसका शेडो भी ऐसे गिर रहा है, बड़ा सा टावर है उसका शेडो भी ये गिर रहा है ऐसा। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, ये बड़ा सा टावर होगा कोई और उसका शेडो ऐसे गिर रहा होगा शायद। तो क्या ढूंढना है? हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर है उसका हाइट। अब देखो कोई भी टावर हो या फिर कोई पोल हो वो ग्राउंड से वर्टिकल रहता है यानी कि 90 डिग्री से रहता है। अब देखो मैंने ये ट्रायंगल को नाम दे दिया है ABC और इसको मैंने नाम दिया है PQR राइट। तो ये 90 90 ये तो हो गया कॉमन। अब देखो किसका शेडो 28, ये जो शेडो है वो 28 मीटर लॉन्ग है। तो अब क्या माजरा होगा, देखो क्या होगा, देखो कि ये और ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, सिमिलर दिया नहीं लेकिन सिमिलर प्रूव करने के लिए आई हैव द क्राइटेरिया ऑफ AA। तो एक ये एंगल और एक ये एंगल तो मुझे मिल गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड डिस्टेंस ये जो एंगल है वो दोनों का इक्वल ही रहेगा, अकॉर्डिंग टू आपका जो नेक्स्ट एक आगे चैप्टर आएगा हाइट एंड डिस्टेंस वाला एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये एंगल इसका दोनों का इक्वल ही रहेगा राइट। ये कैसे बनता है? तो ये जो एंगल है ये साइज छोटी या बड़ी हो, देखो ये वाला ये दो टू पैरेलल लाइन अगर होगी ऐसी कोई और ये यहाँ हाइट होगी तो ये और यहाँ पे कोई होगा तो ये दोनों का एंगल सेम क्यों रहेगा, सेम क्यों रहेगा? अकॉर्डिंग टू द योर वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्रिएट होते हैं इसी वजह से। तो हमें बहुत उसका कुछ एक्सप्रेशन देने की कुछ जरूरत नहीं है, हम पहले लिख लेते हैं कि AB क्या है। AB वर्टिकल पोल है ना, वर्टिकल पोल हाइट, हम उसको AB बोलेंगे और AB मुझे गिवन है 6 मीटर। तो अब शैडो पोल वो क्या है BC और वो है 4 मीटर। हाइट ऑफ टावर क्या है PQ और PQ हमने लेना है वो तो ढूंढना है मुझे। शैडो ऑफ टावर वो क्या है QR, वो गिवन है कितना है 28 मीटर। अब देखो क्या होगा कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q ईच ऑफ 90 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये इक्वल हो गए। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय AA क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, मूछे है तो नथुलाल जैसी, AB अपन PQ NBC अपन QR। तो AB कितना है 6, PQ कितना है 4, PQ है तो ढूंढना है।
बीसी कितना है 4 और ये कितना है 28, सो दैट पीक्यू इज इक्वल टू 6 × 28 डिवाइडेड बाय 4, हमारा आंसर आएगा 42 मीटर। समझ गए ना? तो नेक्स्ट हमारा सम क्वेश्चन नंबर 6 इज द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.3। तो देखते हैं क्या है। इफ द एडी एंड पीएम आर टू मीडियन ऑफ द ट्रायंगल एबीसी पीक्यू और एबीसी सिमिलर टू पीक्यू, हमें प्रूव करना है एबी अपॉन पीक्यू इक्वल टू एडी अपॉन पीएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। एक है हमारे पास छोटे मियां, यह है हमारे पास छोटे मियां एबीसी, और है हमारे पास बड़े मियां पीक्यूआर। बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब क्या है, इसमें एक मीडियन है हमारे पास एडी, मीडियन यानी कि मिड पॉइंट पे ही होगा ना, एग्जैक्टली ये मीडियन और इसका मीडियन है पीएम। अब क्या है देखो, तो एडी पीएम एट द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल एबीसी एंड दिस इज सिमिलर, वी हैव टू प्रूव दैट एबी अपॉन पीक्यू। अब देखो ये ट्राइंगल में कुछ भी करके सिमिलर प्रूव करना होगा बस, तो इसके नीचे या ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कैसे करेंगे हम प्रूव, तो ये है हमारा गिवन, टू है जीवन, और ये हमें टू प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम आगे बढ़ते हैं, प्रूफ क्या होगा हमारा, प्रूफ पे हम आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस इज गिवन एंड वी नो दैट मुझे रत्न तुलाल जैसी ए बी के नीचे पी क्यू, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, क्या होगा बी सी अपन क्यू आर एंड ए सी अपन पी आर, मेरा प्यारा साली मार, ये हो गया। अब क्या, हम तो जानते हैं कि डी तो मिड पॉइंट है, तो हम इसकी जगह हम बी डी अपन क्यू एम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। और क्या, बी और क्यू बी क्यों इक्वल है, अरे ट्राइंगल तो सिमिलर है। तो ये हो गया हमारा नंबर एक, और दूसरा क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हो गया हमारा नंबर दो। अब वी नो दैट कि बी डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, बी सी की जगह 2 बी डी लिख दो और क्यू आर की जगह 2 क्यू एम लिख दो, क्योंकि ये डबल है ना, मिड पॉइंट है, तो डी इज अ मिड पॉइंट। अब मैं यहां पे उसको अगर चेंज करूं तो क्या होगा, ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू 2 बी डी अपॉन टू क्यू एम, सो दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब देखो ये वाली साइड तो ऑलरेडी गिवन है, हमने ये ला दिया, हमने अभी ये ला दिया, ये वाली साइड हमने अभी लाया। अब क्या है, एंगल जो इंटरमीडिएट एंगल है वो कौन सा है, ये है। सो दैट वी कैन से दैट ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यू, ये वाला है पीक्यूएम, बाय एसएएस थ्योरम। सो दैट वी कैन से दैट कि एबी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम, ये हम लिख सकते हैं।